अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लियस गिलर और आज के इस वीडियो में हम गैल्वानोमीटर की डेरिवेशन के दूसरे पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि लेक्चर वन काफी तवील हो गया था, तो इसके लिए हमने जो है वो लेक्चर टू में सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर को डिस्कस करना है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंपोन टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। पेपर में ये टॉपिक जो है वो एमसीक्यू के लिहाज से बड़ा फेवरेट होता है। सेंसिटिविटी के हवाले से कई सवाल पूछते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम गैल्वानोमीटर के बढ़ा दें तो सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एप्टीट्यूड के लिहाज से ये बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए हम इसको स्पेशली अलग से लेक्चर में डिस्कस आज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर की हमारे पास जो डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज नोन एज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। पर यूनिट डिफ्लेक्शन पर कितना करंट गुजरता है, यानी कितने करंट पर गैल्वानोमीटर हमें कितनी डिफ्लेक्शन देता है, वो कहलाती है गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी। याद रहे गैल्वानोमीटर जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा वो उतने ही मामूली से करंट को डिटेक्ट करने की क्या रखेगा, सलाहियत रखेगा। यानी गैल्वानोमीटर जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा हम उसे उतना ज्यादा फिजिक्स की जबान में कहेंगे इफिशिएंट, क्योंकि गैल्वानोमीटर है फॉर एग्जांपल 1 माइक्रो एम्पियर के करंट को डिटेक्ट करके बता रहा है कि वहां से 1 माइक्रो एम्पियर का करंट गुजर रहा है, जबकि दूसरा गैल्वानोमीटर इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि वो 1 नैनो एम्पियर के करंट को भी डिफ्लेक्ट करके क्या कर रहा है, डिटेक्ट करके बता रहा है इतने मामले से, जबकि पहला वाला गैल्वानोमीटर कम से कम 1 माइक्रो एम्पियर का करंट जब गुजरता है उसको डिटेक्ट करके बता रहा है, इससे कम करंट गुजरता है तो उसे डिटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। तो जो गैल्वानोमीटर जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा वो उतने ही मामूली करंट को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखेगा, कम से कम करंट को डिटेक्ट करके बताएगा। तो हम चाहते हैं एक ऐसा गैल्वानोमीटर हो जो ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव हो, मामूली से मामूली करंट को भी वो डिटेक्ट करके बता दे कि वहां से करंट गुजर रहा है। तो इसीलिए हम यहां बात करने जा रहे हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। हम चाह रहे हैं कि गैल्वानोमीटर ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव हो। तो उसके लिए जो लास्ट डेरिवेशन हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, इस फॉर्मूले की हमें मदद लेनी होगी, जिसमें आई करंट जो है ये बराबर था टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया। तो ये जो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर है ये किस पर डिपेंड करता है, करंट की अगर हम बात करते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर जो है अगर उस करंट की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, शायद हमने इसका जिक्र नहीं किया, तो ये है टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट पर डिपेंड करता है, जिसे हमने C से रिप्रेजेंट किया था, C B N A। ओके, चार चीजें होगी इस पर डिपेंड करती है। अब जो है, अब देखो भाई, हम चाह रहे हैं कि कम से कम करंट पर भी हमें डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिले, मतलब हमारा गैल्वानोमीटर ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव हो। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दूंगा, देखो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान कौन सा रिलेशन है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान यहां इनवर्स रिलेशन है। अगर B को बढ़ाऊंगा करंट क्या होगा, कम हो जाएगा, कम करंट पर भी हमें डिफ्लेक्शन मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड गैल्वानोमीटर की जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतने ही मामूली से करंट को वो डिटेक्ट करने की क्या रखेगा, सहायता देखेगा। दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। B को बढ़ाऊंगा करंट का, मतलब कम करंट को भी वो डिटेक्ट कर लेगा। नंबर ऑफ टर्न्स अगर कॉइल के अंदर ज्यादा होंगे तो इसका मतलब करंट जो है वो कम, मतलब कम करंट को भी वो क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। एरिया, एरिया ऑफ कॉइल जितना ज्यादा होगा उतना ही करंट यहाँ इनवर्स रिलेशन के मुताबिक क्या होगा, कम होगा, उतने ही कम करंट को डिटेक्ट करने की सलाहियत होगी। और जितने कम करंट को डिटेक्ट करने की गैल्वानोमीटर की सलाहियत होगी वो गैल्वानोमीटर उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊंगा, करंट जो है उतने ही कम करंट को डिटेक्ट करने की सलाहियत गैल्वानोमीटर में पैदा होगी, मतलब उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊंगा तो गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ेगी। इसी तरीके से अगर
कॉइल में नंबर ऑफ टर्न अगर ज्यादा होंगे, कॉइल के अंदर अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो इनवर्स रिलेशन के मुताबिक उतने ही कम करंट को डिटेक्ट करने की सलाहियत जो होगी वो गैल्वेनोमीटर में पैदा होगी, मतलब उसकी सेंसिटिविटी में क्या हो जाएगा, इजाफा होगा। और अगर कॉइल का एरिया जितना ज्यादा होगा, कॉइल का अगर एरिया जितना ज्यादा होगा उतने ही कम करंट को डिटेक्ट करने की सलाहियत उसमें पैदा होगी, मतलब सेंसिटिविटी बढ़ेगी। मतलब ये तीनों चीजों को बढ़ाने से गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब सी की बात करते हैं, टॉर्क पर यूनिट टेस्ट। अब ये टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट हर स्प्रिंग का, हर ट्विस्टिंग करने वाली चीजों के लिए ये अलग अलग है। तो यहां होगा क्या कि अगर सी की वैल्यू ज्यादा होगी तो ट्विस्ट करना मुश्किल होगा, और अगर सी की वैल्यू टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट की वैल्यू कम होगी तो ट्विस्ट करना क्या होगा, आसान होगा। कम करंट पर वैल्यू क्या हो जाएगा, वो ट्विस्ट होगा। तो इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू बढ़ा दूंगा तो ट्विस्ट करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्ट करना, इसके पॉइंटर को मूव करवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो फिर करंट भी क्या चाहिए होगा, ज्यादा चाहिए होगा पॉइंटर को मूव करवाने के लिए, मतलब सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर जो है टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट की, अगर हम कोई ऐसा स्प्रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो लिहाजा उसको ट्विस्ट करवाने के लिए करंट भी क्या चाहिए होगा, ज्यादा चाहिए होगा। और अगर ज्यादा करंट अगर इसको पॉइंटर को मूव करवाने के लिए चाहिए तो इसका मतलब वो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव तो नहीं है, उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एप्टीट्यूड में बड़ा फेवरेट सवाल है कि किन चीजों को बढ़ाएंगे उससे सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की बढ़ जाती है, और किस चीजों को बढ़ाने से गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इन तीनों चीजों को, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, इनको बढ़ाने से गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और टॉर्क पर यूनिट की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो यहाँ जाकर गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर के हवाले से हमारा लेक्चर जो है ये मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारे ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट अपना फीडबैक लाजमी दें। याद रहे आपका फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन होता है जो हमें मजबूर करता है कि हम लेक्चर जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड करें और स्टूडेंट की हेल्प करें। और याद रहे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपना हक जरूर अदा करना है। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सबका जरिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।